हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे CUET 2022 के बारे में, कंप्लीट स्टैटिक और करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे हम कि स्टैटिक और करंट अफेयर का जो पार्ट है 2022 के CUET में कैसे कवर करना है, इसके बारे में बात करेंगे। हम सिलेबस देखेंगे, पहले स्ट्रैटेजी देखेंगे कैसे इसको कवर करना है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं वीडियो क्यों लेके आया आपके लिए वाली। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो है मिस ना हो, आप तक पहुँच जाए। डेली वीडियो आती रहेंगी, काफ़ी वीडियो पहले मैं डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और मेरी जो ऑडियंस अब नई होगी, जो CUET वाली, क्योंकि मेरी पहले ऑडियंस आ रहे गवर्नमेंट एग्जाम्स के, लेकिन CUET इस साल आया है तो इस बार मैं होप करता हूँ मेरी ऑडियंस चेंज होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें CUET के सिलेबस 2022 के बारे में, जो कि CUET सारी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करा रही हैं इस बार, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही हैं UG कोर्सेज़ के लिए, उनको अप्लाई करा रही हैं इस बार, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। तो CUET सिलेबस में देखें तो क्या क्या पार्ट है इसके अंदर। जनरल नॉलेज के अंदर मैं सिर्फ GK के अंदर जो पार्ट है वो लेके आया हूँ, जनरल टेस्ट के अंदर जो 75 क्वेश्चन आने हैं आपके। सबसे पहले है जनरल नॉलेज, जो GK होती है, करंट अफेयर्स हैं जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं, नए नए आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में हो गया या वीडियो देखते हैं उसमें होता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, थोड़ी मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन अप टू क्लास 8th, एलजेब्रा, अरिथमेटिक क्वेश्चन, बेंचुरेशन क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ये नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए क्योंकि बाकी पढ़े आपने सारे पढ़ रखे हैं। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है, अगर आप एग्जाम देते हैं एंट्रेंस के वहाँ पे यूज़ होता है लॉजिकल एंड रीजनिंग, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, बेसिक लेवल की होती है इसके अंदर। मेरी वीडियो आपके लिए सिर्फ एक सेकेंड, पेन खोल रहे हैं हम एक बार। हाँ, मेरी वीडियो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, एक तो जनरल नॉलेज के लिए है मेरी वीडियो पहली बात तो, सेकेंड मेरा करंट अफेयर के लिए, ये दोनों टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ आपके लिए। तो ये बेसिकली मेरी वीडियो इन दोनों के लिए, अगर आप दोनों को कवर करना चाहते हैं, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज को, आप वीडियो में बने रहें। बाकी वीडियो आप देख सकते हैं पूरी, अगर आपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहे वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें सेक्शन में वो क्या है, कितने सेक्शन है, पैटर्न क्या है इसका। सेक्शन 1A है 13 लैंग्वेजेस, जो आपने लैंग्वेज चूज़ करी होगी UG। 1B है 20 लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 1A, जो 1A में नहीं है वो इसमें है। बाकी 27 सब डोमेन सब स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं सेक्शन 2, जैसे आपको BA इकोनॉमिक्स करना है तो इकोनॉमिक्स में आएगा, BA आपको पॉलिटिकल साइंस करना है पॉलिटिकल साइंस आएगा, हिस्ट्री करना है हिस्ट्री आएगा। जितने आपको जितनी सेक्शन लैंग्वेजेज हैं वो आप इसमें आएंगी। और सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, जो कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया पीछे वाली स्लाइड पे, ये जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस है जिसका GK और करंट अफेयर छोटा सा पार्ट है ना। तो पूरा जनरल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं जो मेन हमारा जो काम है आज की वीडियो बनाने का, कि 20 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी इसका एडमिट कार्ड आ चुका है, डेट भी आ चुकी है, एग्जाम कब है, 10 जुलाई से इसके एग्जाम शुरू हैं, तो आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं इसके अंदर आपको प्रिपेयर करने के लिए। और लास्ट डेज में ही GK की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि लास्ट डेज में ही कि लोग हैं GK ज़्यादा पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कि आपको जितने ज़्यादा मॉक आप लगा सकते हैं मॉक लगाएं। मॉक टेस्ट आपको पता ही होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में मिल जाएंगे मॉक टेस्ट अपने CUET के, वो लगाएं सकते जितने ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉक लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी। आप वही जो आप यहाँ मॉक में करेंगे घर पर बैठ के, वैसा ही है पेपर में वहाँ पे आने वाला है। करंट अफेयर के लिए बात कर लें, रिवाइज़ करना है आपको डेली करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, जितने भी आप कहीं से भी पढ़ेंगे, किसी भी सोर्स से, किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, डेली आपको रिवाइज़ करने हैं। स्टैटिक GK जहाँ से भी पढ़ेंगे आप, उसको भी रिवाइज़ करना है आपको डेली। अभी आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में स्टैटिक और डेली करंट अफेयर में। और अच्छा, और बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं आगे एक्सेप्ट जनरल टेस्ट या बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनको डेली रिवीजन करना है ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि लास्ट के 20 बचे हैं। और अपना टारगेट बना लीजिए कि स्टैटिक और करंट अफेयर में मुझे इतने दिन में इतना पढ़ना है, 1 घंटा या 2 घंटे और करना है, और जितने भी करंट अफेयर हैं सब उसको रिवीजन मारना है, या नए पढ़ने हैं तो उसको भी सिर्फ 1 या 2 घंटे में पढ़ना है, पूरे दिन बैठ के नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरे दिन बैठ के पढ़ोगे आप खुद अपना आपका माइंड एग्जैजरेट हो रहेगा, नहीं समझ आएंगी चीज़ें। तो कम से कम 1 या 2 घंटे का टारगेट बनाओ स्टैटिक और करंट GK का, और ये आपको पढ़ना है। लास्ट टाइम बात कर लेते हैं मेरा क्या रोल रहने वाला है, मैंने वीडियो क्यों बनाई है। सबसे पहले बात कर लें कि एग्जाम डेट कब है, 15 जुलाई से 10 अगस्त तक एक एग्जाम है शुरू होने वाले हैं, 15 जुलाई से। आज हमारी 24 जून हुई है, बेसिकली 23 जून हुई है, 20 दिन पड़े हैं पूरे आपके पास। एडमिट कार्ड जो है आपका आउट हो चुका है ऑलरेडी, जो अगर हम डाउनलोड नहीं कर रहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, आप जाके देख सकते हैं उसको। बाकी मेरा क्या रोल रहने वाला है, मैं बताऊंगा आपको कि डेली स्टैटिक और करंट अफेयर GK की वीडियो आएगी 30 क्वेश्चन की, जब तक एग्ज़ाम आपका ख़त्म नहीं होता एग्ज़ाम डेट तक। तो दोस्तों 15 जुलाई तक 30 क्वेश्चन की डेली वीडियो आएगी स्टैटिक और करंट अफेयर की, ठीक है। 15 जुलाई तक आपकी वीडियो कवर करेंगे, कम से कम 800 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे, 800 में से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। डेली वीडियो जो है सुबह 10 बजे आ जाएगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे मेरी वीडियो पहली वीडियो देखने के बाद कि लाइव स्ट्रीम करिए, तो लाइव स्ट्रीम भी करेंगे वीडियो को। तो 10 बजे सुबह डेली आपकी वीडियो आ चुकी होगी 10 बजे। दोस्तों टाइम ऐसा है, बच्चे उठ भी चुके होते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं, 10 बजे का टाइम ठीक रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चेंज करेंगे टाइम का, अगर आप कहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं हम,
बेसिकली अभी तो 10 AM ही रहेगा सुबह, बाकी मैं होप करता हूँ जो मैं पढ़ाऊँगा आपको क्लियर करने में COET आसानी रहे 2022 में, और होप सो क्लियर हो जाए आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों के साथ जिन्होंने शुरू करी नहीं है तैयारी या करने वाले हैं, अभी तो 2 दिन बचे हैं सिर्फ। और जिनको क्रैश कोर्स टाइप करना है दोस्तों डेली के 30 वीडियो मेरे लिए आएंगी, 30 वीडियो नहीं 30 क्वेश्चन डेली के लिए आएंगे स्टैटिक और करंट मिला के, जो कि आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना।